1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है और ये सेकेंड टाइप्स का लास्ट क्वेश्चन है। इसको 1 कह लें। सेम प्रोसेस आपने लगाना है। फर्स्ट एक्सप्रेशन उसका इनवर्स यहाँ पे गिवन है, रेसिप्रोकल यहाँ पे गिवन है। इसको लेट कर लें, लेट एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए इज इक्वल टू वाई। इसको 2 कह दें, अपनी मर्जी से नाम रख लें। तो इक्वेशन नंबर 1 बिकम क्या हो जाएगी, जहाँ पे ये एक्सप्रेशन है वहाँ पे वाई पुट करें तो वाई माइनस, यहाँ पे देखें ये इसका इन्वर्स है, तो अगर ये वाई है तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1/y हो जाएगा इज इक्वल टू 7/12। या तो दोनों तरफ वाई, इसका डिनोमिनेटर वाई है, इस एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर 12 है, तो 12y से दोनों तरफ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप y एलसीएम ले लें और बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। y तो y को y से मल्टीप्लाई, पावर ऐड हो जाएगी y की पावर 2 - 1, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे बन गया 7/12। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से, ये बनेगा 12 × y² - 1 इज इक्वल टू 7y। 12 को मल्टीप्लाई करें तो 12y² - 12 इक्वल टू 7y। 7 को इधर ले आए तो ये हमारे पास आएगा 12y² - 7y - 12 = 0। अब हमने क्या करना है, फैक्टर बनाने हैं इसके। फैक्टर बना लें इसके, हमारे पास फैक्टर क्या बनेंगे, 12 को मल्टीप्लाई 12 से करें तो हमारे पास आंसर आता है 144। ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस में आएगा। इसका मतलब है इसके जो दो फैक्टर बनेंगे वो एक तो प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। तो मल्टीप्लाई करने से 144 नेगेटिव चाहिए और प्लस माइनस करने से -7 चाहिए। इसका मतलब है एक फैक्टर इसका पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो जो बड़ा फैक्टर होगा उसके साथ नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो बड़े टर्म के साथ हमारे पास पॉजिटिव आना था। अगर इसके फैक्टर बना सकते हैं तो ठीक है, वरना इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। 144 की 2 पे आ जाएगा तो क्या बन जाएगी, 7 × 14, 2 × 4, अगेन 2 पे, 3 × 6 और 6 × 12। मल्टीप्लाई करने से 144 आएगा, लेकिन 4 करने से नहीं आ रहा। फिर 2 पे 218, 2 × 4, 4 × 8, 8 × 18 तो 144 होता है, लेकिन प्लस माइनस करने से 10 आ रहा है, तो 7 चाहिए। अगेन 2 पे चले जाएं तो 2 × 9 = 16 × 9 करने से 144 आ रहा है, इनको प्लस माइनस करने से 7 आ जाएगा। दो फैक्टर बने हैं, एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, इसमें एक छोटी टर्म होती है एक बड़ी, बड़ी के साथ नेगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है। फैक्टर जो बनेंगे वो बनेंगे 9 × 16, तो 12y² - 16y प्लस 9y - 12 = 0। यहाँ से कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो निकाल लें, 4 × 3 = 12 और 4 × 4 = 16, 4 कॉमन आ रहा है और 7y, तो यहाँ पे आएगा 3y - 4, क्योंकि y कॉमन ले लिए, प्लस यहाँ से कुछ कॉमन आ रही है तो 3i कॉमन, ये बन जाएगा 3y - 4 = 0। 3y - 4 फैक्टर कॉमन आ रहा है तो 3y - 4 कॉमन निकाल लें, इधर बच जाएगा 4y और ये बच जाएगा +3 = 0। प्रोडक्ट 0 है तो 3y - 4 = 0 होगा और 4y + 3 = 0। यहाँ से y निकालें, आंसर 3y = 4
नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3। एक वाई का आंसर हमारे पास ये है। यहाँ से निकाल लें 4y इज इक्वल टू -3, तो y इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 4, और एक आंसर हमारे पास यहाँ से। अब हम बैक सब्स्टिट्यूशन करके उसी तरह हमने x फॉर्म में आंसर निकालने हैं। तो y हमारे पास क्या था, x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए इज इक्वल टू वाई। वाई की ये वैल्यू हमने एक बार यहाँ पे पुट करनी है, रिप्लेस करें, और एक बार यहाँ पे रिप्लेस कर दें, तो नाउ रिप्लेस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए। बारी बारी करें रिप्लेस, ये बन जाएगा एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उसी तरह, तो 4 इंटू x प्लस a इज इक्वल टू 3 इंटू x माइनस a। ये बन जाएगा 4x प्लस 4a, ये बन जाएगा 3x माइनस 3। एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लें, a वाली को इकट्ठा कर लें, एक्स इधर आएगा माइनस, तो 4x माइनस 3x माइनस 3a, प्लस साइड जाएगा -4a, 4 माइनस 3 आंसर 1x आ गया। दोनों नेगेटिव हैं तो प्लस करेंगे -3 -7 4 -7 और साथ में एक एक्स का आंसर हमारे पास ये। दूसरा एक्सप्रेशन आप यहाँ पे पुट कर लें, यह आ जाएगा एक्स माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 4। नेगेटिव को -3 के साथ लगा लें या -4 के साथ लगा लें, एक ही बात। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 4 इंटू x माइनस a इज इक्वल टू -3 इंटू x प्लस a। 4x माइनस 4a इज इक्वल टू -3x माइनस प्लस -3a। एक्स को इकट्ठा कर लें तो -3 इधर आके +3 हो जाएगा, तो 4x प्लस 3x माइनस 3a, ये माइनस का इधर आके प्लस का, +4। 4 प्लस 3 7x, एक प्लस से एक माइनस है, तो 4 माइनस 3a। यहाँ से एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, a डिवाइडेड बाय 7। ये हमारे पास आ गई सेकेंड वैल्यू ऑफ एक्स। इसका मतलब अगर इन दोनों वैल्यू को सॉल्यूशन सेट में लिखें, सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या हो जाएगा, -7a, a ओवर 7। ये हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था।